कमा गांधी साहब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ राजस्थान की बाटी और दाल। तो बाटी में सिखाऊंगी सवा मनी वाली स्टफ बाटी, तो वो है राजस्थान की जो कि बहुत ही फेमस है। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम 5 तरह की दाल ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर मिक्स दाल ली है 1 कटोरी, और इसे करीब 1 घंटे के लिए हम पानी में भिगो देंगे। इसको अच्छी तरह वॉश कर लेंगे, उसके बाद हम कुकर में इसको डाल देंगे। और साथ ही साथ मैंने 1 कटोरी दाल ली है, तो हम इसके अंदर 4 कटोरी पानी ऐड करेंगे। तो आप इसको, अगर आपको जल्दी है तो आप आधे घंटे भी इसको थोड़ी देर सोक कर सकते हैं, पर अगर आपके पास टाइम है तो करीब 1 घंटे के लिए इसे सोक कीजिए। साथ ही साथ मैंने इसमें नमक और हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है, और उसके बाद मैंने इसमें विसल लगाई है। तो मैंने इसमें 3 सीटी लगाई है और 5 मिनट के लिए इसे मीडियम आँच पर रखा है ताकि ये अच्छी तरह से घुट जाए। उसके बाद चलते हैं हम बाटी में आने। तो सबसे पहले मैंने लिया है व्हीट फ्लोर यानी गेहूं का आटा, और साथ ही साथ इसमें नमक डाल दिया है और इसमें अजवाइन डाला है हाथों से मसल के ताकि अच्छा फ्लेवर आ सके। और साथ ही साथ मैंने इसमें डाला है सोडा। सोडा डालने के बाद इसे अच्छी तरह से इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल देंगे, थोड़ी सी इसमें अंदर हम डालेंगे, उसको मिला लेंगे और इसको अच्छी तरह से चलाएँगे। और इसके अंदर हमने 2 टेबल स्पून घी डाला है, तो आप चाहे तो इसमें ऑयल डाल सकते हैं, पर घी से जो इसका मौन आता है बहुत ही अच्छा आता है, तो आप ज़रूर इसे ट्राई करना। और उसके बाद हम इस आटे को गूंथ लेंगे, तो जो हमारा जो डो होगा वो बहुत ही टाइट होगा, जैसे कि हम पूरी में बनाते हैं उस तरह का बिल्कुल टाइट बनना चाहिए, और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर। तो हम इसे अच्छी तरह पानी डाल करके हम इसे अच्छी तरह से इसका पानी का एक डो बना लेंगे बिल्कुल सख्त गूंथ करके। तो मैं धीरे धीरे इसका पानी का अच्छी तरह से डो बना लूँगी, और देखिए हमारा डो बन चुका है। तो ये बहुत ही सख्त है, ऐसे रोटी ऐसा ही, रोटी से थोड़ा टाइट बनाना है। उसके बाद इसे ढक करके रख देंगे करीब आधे घंटे के लिए। उसके बाद हमें स्टफिंग बनानी है, तो हम लेंगे इसमें 4 आलू, और 4 आलू को अच्छी तरह से छील करके और उसे मैश कर लेंगे ताकि हम इसके अंदर इसका स्टफिंग बना सके। तो हम देखिए मैंने 4 आलू अच्छी तरह से इसे इसको साफ़ कर लिया। उसके बाद हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में हमने इसमें ऑयल डाला है, तो ऑयल डालेंगे तो हम थोड़ी सी इसके अंदर हरी मिर्च ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से चलाएंगे, अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि जो इसका फ्लेवर है वो अच्छा आ सके। उसके बाद हम इसके अंदर फ्रोज़न जो मटर है वो डालेंगे, यदि आपके पास ताज़ा है तो आप ताज़ा डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर, मेरे पास फ्रोज़न थी तो मैंने फ्रोज़न को थोड़ी देर बाहर रखा, उसके बाद इसमें डाल दिया। इसके बाद हम थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम डालेंगे, उसे अच्छी तरह से चलाएंगे ताकि जो काजू और बादाम का जो हमारे पास जो किशमिश है, सॉरी जो किशमिश और जो मैंने काजू डाले हैं उसका जो अच्छा रंग आ जाए। उसके बाद हम थोड़ी सी सौंफ डालेंगे और उसे अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि इसका जो स्वाद है वो अच्छा आ सके। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे सॉल्ट, डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट का जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आता है, और जब हम सूखी डिश बनाते हैं उसमें सॉल्ट पाउडर जरूर डालना चाहिए। साथ ही साथ हम इसके अंदर डालेंगे काली मिर्च और नमक डालेंगे, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। साथ ही साथ हम इसके अंदर काला नमक डालेंगे तो हम वो अपना बैलेंस कर लेंगे। उसके बाद मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डाला है, थोड़ी सी मैंने इसके अंदर हल्दी डाली है, और आप देख रहे होंगे कि मैंने सारा लिख रखा है कि मैंने कितना कितना डाला है, तो मैं आपको सिर्फ यहाँ बता रही हूँ किस तरह डाला है। अब हम इसको मिक्स करेंगे, और जो सारे जो मैंने आलू मैश किए थे अच्छी तरह से, तो आप चाहे तो इसे मैशर से मैश कर सकते हैं, पर इसे हाथों से मैश करेंगे वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो ये मुँह में जो चंक्स आते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर पनीर ऐड कर देंगे, और पनीर ऐड करने के बाद इसे हल्के हल्के हाथों से चलाएँगे ताकि जो सारा जो फ्लेवर है वो एक साथ आ सके, आपको मुँह के अंदर मतलब पनीर भी आए, मटर भी आए, आलू का स्वाद, सबका स्वाद आपको मुंह में आए, आपको लगे कि मैंने यार स्वा मनी की है बाटी खाई है, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। साथ ही साथ इसके ऊपर डालेंगे हम पुदीना पाउडर, कि मेरे पास सूखा पुदीना पाउडर है तो आप इसे घर पे बना सकते हैं। और मैंने इसके अंदर चाट मसाला डाला है, यदि आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने इसके अंदर धनिया डाल दिया है, और धनिया को मिला करके हमारी जो स्टफिंग तैयार हो चुकी है। अब जो हमने सीटी लगाई थी मैंने इसको खोल के देखा, देखिए काफ़ी मैश हो चुका है। चलिए अब बाटी की तरफ चलते हैं। तो हमारे जो बाटी का है स्टफिंग है वो हमारा 1 घंटा हो चुका है,
तो हम इसका अब डो बनाएंगे। जैसे कि हम पूरी की लोई बनाते हैं, इस तरह से हम सारी लोई तैयार कर लेंगे और लोई बना करके हम रख लेंगे ताकि हम एक साथ जो स्टफिंग है वो बना सके। तो मैंने लोई बना के रखी है। तो अब क्या करेंगे, हम एक लोई लेंगे और लोई को हल्के हाथ से, मतलब जैसे लोई बना ली है, जैसे मैंने एक दो मैंने तोड़ के दिखा रही, मैं आपको बताती हूँ कि अब कैसे बनाना है इसको। तो हमें एक लोई ले लेंगे, आप देखो मैंने सारे तोड़ लिए हैं। अब इसको मैं हल्के हाथ से प्रेस करूँगी, हल्के हाथ से। अब इसको मैं प्रेस कर रही हूँ और इसे अंदर की तरफ दबा रही हूँ। आप देख रहे होंगे कि मैं इसे थंब की सहायता से इसको अंदर की तरफ प्रेस कर रही हूँ ताकि जो हमारी स्टफिंग है वो बीच में हम इसको डाल सके। अब इसको देखिए, मैंने इसको अच्छी तरह से इसको बीच में, देखो मैं इसको पुश कर रही हूँ ताकि जो मेरी स्टफिंग है वो अच्छी तरह से इसमें फिल हो सके। अब हम जो हमारी स्टफिंग है वो चम्मच की सहायता से इसको भर देंगे। तो मैंने यहाँ पर आधी चम्मच ली है, यदि आप चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी, लेकिन थोड़ा सा ये जो मोटी बनेगी थोड़ी सी, तो आप चाहें तो थोड़ा कम भी स्टफिंग डाल सकते हैं। और जैसे हम कचौरी बनाते हैं उसी स्टाइल में हम इसको अच्छी तरह से कंप्लीटली दबा करके बनाएंगे। और इसको इस तरह से दबा करके देखिए कितनी अच्छी तरह से बन चुकी है हमारी ये स्टफिंग। बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, कि आप ज़रूर ट्राई करना ये सवावानी वाली बाटी। और देखिए ये हमारी बाटी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम एक और बना के दिखाती हूँ मैं आपको, फिर बाकी मैं बनाऊँगी बैठ के। तो देखिए अब हम दोबारा से दिखाते हैं कि दोबारा मैंने एक गोला लिया है और गोले को मैंने हाथ से अच्छे से प्रेस किया है और धीरे धीरे थंब की सहायता से इसको फैलाया है। ठीक है, मैंने यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने बेलन का यूज़ नहीं किया है। तो हम इसे बेलन का यूज़, अगर आपसे बाई चांस नहीं होता है, आपसे नहीं हो रहा, तो आप बेलन का यूज़ भी कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसे हल्के हल्के हाथों से कराया और इसको हम बीच की तरफ धकेलेंगे ताकि जो हमारा जो स्टफ है वो बन सके। अब देखिए मैं इसके अंदर स्टफिंग डाल रही हूँ। अब देखिए मैंने स्टफिंग डाल दी है 1 चम्मच, और अब इसको मैं अंदर की तरफ जो स्टफिंग है, तो मैं इसको अब जो हमारी जो है ये इसको मैं फिल कर लूँगी आटे की सहायता से। तो अब देख लूँगी मैं किस तरह से इसको स्टफिंग की है। तो अब मैंने ऐसी, अब मैंने सारी इस तरह से कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए अब मैं इसे कंप्लीट कर रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से हम चीरा लगाएंगे, हल्का चीरा। तो देखिए मैंने हल्का हल्का चीरा लगाया है ताकि जो हम सामान में हम देखते हैं कि बहुत हल्का चीरा और बहुत ही खूबसूरत बनती है, इसी तरह से हम इसका हल्का चीरा लगाएंगे। और देखिए मैंने चीरा लगाया, कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से हम सारी बाटियों के ऊपर हल्का चीरा लगाएंगे, तो एक डिज़ाइन बना देंगे। बहुत ही हल्का सा चीरा लगाना है, अंदर तक नहीं दबाना, बिल्कुल हल्का सा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हलवाई वाले हैं वो क्या करते हैं, बाटियों को तलते हैं, पर यहाँ हम तलेंगे नहीं क्योंकि आजकल हम बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे हम ओवन में बनाएंगे। तो ओवन में हम करीब 5 मिनट के लिए इसे तेज आँच में रखेंगे, इसको ढकेंगे नहीं ओवन में। और उसके बाद इसको 5 मिनट बाद इसको पलटेंगे, और पलटने के बाद देखिए मैं सारा एक एक करके पलट रही हूँ। 5 मिनट बाद मैंने इसे अच्छी तेज आँच में रखा ताकि ये नीचे से साइड से चले, फिर उसके बाद हम पलटेंगे। अब इसको पलटने के बाद अब देख लो मैं एक एक को अच्छी तरह से 5 मिनट बाद कर रही हूँ, क्योंकि हमेशा लोग क्या करते हैं, जैसे रहते हैं और जल्दी से ढक्कन लगाते, नहीं पहले 5 मिनट तक इसे अच्छी तरह से पकाएं और 5 मिनट बाद हम जो ढक्कन है वो इस पर ढक देंगे इसको पलटने के बाद। अब देखिए इसको पलट दिया, तो करीब हम 12 मिनट के लिए इसे ढक करके रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, एक पैन लेंगे और उसमें 2 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। जैसे ही हमारा घी ऐड हुआ है, वहीं हम जीरा पाउडर डाल देंगे, और जीरा पाउडर डालने के बाद हम यहाँ पर डालेंगे प्याज। तो मैंने यहाँ चॉप कर ली है, क्योंकि यहाँ पर जो प्याज है वो चॉप ही अच्छी होती है। अगर आप सोचें कि प्याज पीस के, तो प्याज पीस के मत डालना, यहाँ पर चॉप प्याज बहुत शक्ति है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा है, एक 2 ग्रीन चिल्ली ले ली है, थोड़ा सा गार्लिक लिया है, थोड़ा लहसुन लिया है, इसको अच्छी तरह से कूट किया है, और साथ ही साथ 2 टमाटर डाल के इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए मैं इसको अच्छी तरह से भून रही हूँ, और मैंने इसके अंदर थोड़ा सा रेड चिल्ली पेस्ट ऐड कर दिया है, और रेड चिल्ली पेस्ट ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से भूना है। और इसे हम क्या करेंगे, अब देखते हैं बीच बीच में हम बाटी भी चेक करेंगे ताकि कहीं जल ना जाए। तो 12 मिनट बाद हमने इसको चेक करी, अब देख रहे होंगे कि बाटी अच्छी तरह से पक चुकी है। तो मैंने इसको दूसरी तरफ इसको घुमा दिया है ताकि दोनों तरफ से अच्छी तरह से ये बन सके। तो
तो ये कितना अच्छा कलर आ रहा है ना, आ रहा है ना कलर। अब चलिए, अब हम चलते हैं अपनी दाल की तरफ। तो अब देखिए, हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। साथ ही साथ मैं डाल रही हूँ यहाँ पर ग्रीन चिली, आई मीन सॉरी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, और इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, और साथ ही साथ इसके अंदर धनिया पाउडर डाल रही हूँ, और मैं इस पे डाल रही हूँ कुछ और स्पाइसेस। तो देखिए मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से इसमें पानी 1 कप डाल देंगे। थोड़ा गाढ़ा हो गया तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, 1 कप या 1.5 कप डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 कप पानी डाला और उसको ढक करके रख दिया है। तो देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है ना, मुँह में पानी आ गया होगा ना आपके। तो जो हमने दाल उबाली है और जो दाल की थोड़ी सी मैश सी हुई है, उसमें थोड़ा धनिया पाउडर डाल करके और ये जो मसाला बनाया है वो हम ऐड कर देंगे। और देखिए दाल कितना अच्छा स्वाद आ रहा है, आप देख रहे होंगे ना कि दाल कितनी अच्छी लग रही है, कि बहुत टेम्पटिंग लग रही है। सच में घर वालों को तो बहुत ही पसंद आई थी ये डिश, और आप भी ज़रूर बनाना ये वाली डिश, एक बार तो ट्राई बनता ही है ना। तो देखिए कितना अच्छा, कितनी अच्छी है, घुटी ज़्यादा घुटी भी नहीं है और खड़ी खड़ी सी है, जैसे कि हलवाई बनाते हैं। बहुत ही अच्छी डिश है। और मैंने क्या चूड़ा बनाया, पहली वाली पिछली वीडियो में मैंने आपको चूड़ा बनाना सिखाया था, और साथ ही साथ लाल चटनी। तो आप सर्व कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये रेसिपी